नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश तक की शुरुआत करेंगे बलिया गोलीकांड में आ रही बड़ी खबर के साथ। गोलीकांड का पूरा वीडियो सामने आ गया है और इस ताजा वीडियो में नजर आ रहा है कि बैठक के दौरान जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। पुलिस प्रशासन के मौके से हटते ही हंगामा एक बार फिर शुरू हुआ और फिर फायरिंग के दौरान गोली जयप्रकाश पाल को लगी। वीडियो में जयप्रकाश जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। तो ये पूरा वीडियो है। इस वीडियो में ये पता लगता है किस तरीके से वहां हिंसा हुई, मारपीट हुई, झड़प हुई और उसके बाद जब पुलिस वहां से हटी तो दोबारा वहां झड़प हुई, हंगामा हुआ फिर से और फिर फायरिंग के दौरान गोली जयप्रकाश पाल को लगी। सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जबकि मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। जातीय एंगल भी इस मामले में आ चुका है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के मैदान में उतरने के बाद आपको बता दें कि इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो, ये इस मामले में सबसे ताजा वीडियो है जो कि अब सामने आया है और जिसे देखकर पता लगता है कि किस तरीके से वहां भागदौड़, अफरा तफरी, झड़प, ये सारी परिस्थिति बनी हुई थी और इसी दरमियान गोली चली और गोली जयप्रकाश